हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस माइनस मैथ्स। और आज का क्वेश्चन है, इफ टैन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू रूट थ्री एंड टैन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट थ्री, वेयर जीरो इज लेस देन ए प्लस बी, लेस देन एंड इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो मतलब ए प्लस बी से जीरो, ए प्लस बी लाई करता है जीरो और 90 डिग्री के बीच में। A is greater than angle B, find A and B। तो A और B की वैल्यू निकालनी है और हमें ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो tan A plus B की वैल्यू दे रखी है रूट थ्री, और हमें ये पता है रूट थ्री tan 60 पे आता है। tan 60 की वैल्यू होती है रूट थ्री, तो हम रूट थ्री की जगह tan 60 लिख सकते हैं। tan A plus B की वैल्यू हो जाएगी, रूट थ्री की जगह हम लिख देंगे tan 60, tan 60 डिग्री। तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू दे रखी है tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3, और हमें ये पता है tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो इस 1/√3 की जगह हम tan 30 लिख सकते हैं। तो tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। यहाँ से भी tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, और ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। तो एलिमिनेशन मेथड से करेंगे इसे, एक प्लस का भी एक माइनस का भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी सारी वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। ए प्लस ए और 60 प्लस 30, ए प्लस ए तो हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 60 प्लस 30 हो जाएगा 90। ए की वैल्यू आ जाएगी 90/2 यानी कि 45। तो ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो ए की वैल्यू यहाँ से 45 डिग्री निकल गई। अब हम ए की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो लेट सपोज हमने इस वाली इक्वेशन में रख दी, तो ए की वैल्यू 45 प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 60 माइनस 45। ये 45 प्लस का 45 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। तो मतलब ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और बी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।